हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डाउट बस्टर। हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीजीटी के लिए एमसीक्यू सीरीज, और ये एमसीक्यू सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे डेली डोजेस पे 15 से 20 एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हम ला रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वायरस इज मेड अप ऑफ। वायरस किससे बना होता है? पहला प्रोटीन ओनली, डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, या प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। वायरस बना होता है प्रोटीन, डीएनए और आरएनए से। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय। चेचक का कारण है, ऑप्शंस वेरियोला, कॉक्सिएला, एडीज, फ्रेंसिसेला। तो इसका आंसर होगा पहला वेरियोला। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें से किसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है? ऑप्शंस आर आर्किबैक्टीरिया, वायरसेस, पीपीएलओ, रिकेट्सिया। तो इसमें आंसर होगा वायरसेस। वायरसेस में केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, और उसके चारों तरफ से प्रोटीन कोटिंग होती है। तो इसका आंसर हो गया वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स। प्रियॉन्स की डिस्कवरी के लिए किस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था? फर्स्ट ऑप्शन एल्टमैन, सेकेंड ऑप्शन लेविस, थर्ड नस्लेम एंड फोर्थ प्रिजनर। तो इसका आंसर होगा प्रिजनर। हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स। तो इसका आंसर होगा प्रिजनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफाज एग्जिस्टिंग इन लेटेंट फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। ऐसा कौन सा बैक्टीरियोफाज है जो कि लेटेंट फॉर्म में बैक्टीरियल सेल में प्रिसाइड करता है, रहता है? तो पहला ऑप्शन है प्रोफेज, बी लाइसोजेनिक फेज, थर्ड लाइटिक फेज, फोर्थ लैम्डा फेज। तो इसमें आंसर है प्रोफेज। कौन सा बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया में रिसाइड करता है लेटेंट फॉर्म में? तो आंसर होगा प्रोफेज। क्या आंसर होगा? प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिनी क्रोमोजोम। इनमें से कौन से वायरस के जीनोम को मिनी क्रोमोजोम भी कहते हैं? ऑप्शंस हैं टीएमवी टोबैको मोजैक वायरस, बी एक्सवी 40, थर्ड गामा फेज और चौथा एचआईवी। तो इसका आंसर होगा एक्सवी 40। एक्सवी 40 मिनी क्रोमोजोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस बाय द होस्ट इन रेस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड। विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप आतिथेय में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है कहलाता है। ऑप्शंस आर फाइटोटॉक्सिन्स, एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन या हार्मोन। तो इसमें आंसर्स होंगे इंटरफेरॉन। अगर बॉडी में कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है तो वो सेल इंटरफेरॉन का सिक्रीशन करने लगती है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए वायरस अटैक्स अ बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट इज। व्हेन अ वायरस अटैक्स अ बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट इज। पहला ऑप्शन प्रोटीन कोट, दूसरा न्यूक्लिक एसिड, तीसरा बोथ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, एंड चौथा नॉन ऑफ द अबव। इसमें आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड। केवल जेनेटिक मटेरियल जो कि आइदर डीएनए या आरएनए होता है वही होस्ट के वही बैक्टीरियल सेल में एंटर करता है, प्रोटीन कोट एंटर नहीं करता है। तो आंसर हो गया न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रियॉन्स में क्या पाया जाता है? तो इसमें आरएनए, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, या सिर्फ प्रोटीन? आंसर इसका होगा ओनली प्रोटीन। प्रियॉन्स में कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, प्रियॉन्स आर जस्ट द इन्फेक्टिव प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय। तो कंटेजियम फ्लूइडम पदावली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? चार ऑप्शंस हैं, इवानोविस्की, सेकंड बेजरिंग, थर्ड
वाइगमैन एंड फोर्थ हेलरीगेल। तो इसका आंसर होगा बेजरिंक। बेजरिंक ने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम को प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। ऑप्शन एडेनो वायरस, सेकेंड ऑप्शन मोजैक वायरस, थर्ड ऑप्शन टीईवेन वायरस, फोर्थ ऑप्शन रेट्रो वायरस। द आंसर इज रेट्रो वायरस। द वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेट्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाई। तो प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाई, ऑप्शंस आर फर्स्ट बार्डन, पियरी, बेजरिंग एंड स्टेनली। तो इसका आंसर होगा स्टेनली, विषाणु सर्वप्रथम। प्लांट वायरस सबसे पहली बार क्रिस्टलाइज किया गया था स्टेनली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोफेजेस फ्रॉम इंडिया वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। साइनोफेजेस फ्रॉम इंडिया वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, भारत में साइनोफेजेस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। पहला ऑप्शन एमओपी आयंगर एवं टीवी देशिकाचारी, सेकंड ऑप्शन आर एन सिंह एंड पीएल सिंह, थर्ड ऑप्शन जी एस वेंकटरामन एंड फोर्थ ऑप्शन पीके डे। द आंसर विल बी बी, आर एन सिंह और पीएल सिंह ने भारत में सर्वप्रथम साइनोफेजेस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोफेजेस वेयर डिस्कवर्ड बाई। पहला ऑप्शन सिंडन, सेकंड ऑप्शन सैफरमैन एंड मॉरिस, थर्ड ऑप्शन डाइनर, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इसमें आंसर होगा बी, सैफरमैन एंड मॉरिस। सैफरमैन एंड मॉरिस, इन्होंने 1963 में साइनोफेजेस की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ। चार ऑप्शंस लिपिड्स, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड प्रोटीन एंड फोर्थ न्यूक्लिक एसिड। द आंसर इज प्रोटीन्स। द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये आपको याद रखना है। वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में यूपी के एग्जाम्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रो वायरस इज। रेट्रो वायरस का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? ऑप्शंस आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। द आंसर इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। रेट्रो वायरस का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियोफाज कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज। बैक्टीरियोफाज में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? पहला डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड प्रोटीएज, थर्ड यूरिएज, फोर्थ लाइसोजाइम। द आंसर विल बी लाइसोजाइम। बैक्टीरियोफाज में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोफेज इज अ वायरस दैट अटैक्स। ऑप्शंस आर फंजाई, कवक को, बैक्टीरिया, जीवाणु को, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल को, फोर्थ निमेटोड्स। तो साइनोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो अटैक करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को। किसको अटैक करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को। तो इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही आपको डेली एमसीक्यू डोज के साथ में आपके सामने पेश होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।